तो हम यहाँ पर रहने वाले दादाजी के मंदिर में हैं, उसके परिसर में हैं। मास्क लगाना अनिवार्य है। हाँ, तो आज हम जाने वाले हैं धोने वाले दादा के मंदिर। तो चलिए पहले मंदिर चलेंगे। सभी जगह पुलिस की नाकाबंदी है मास्क को लेके, जो कि हमने पहन रखा है और हमने पूरी सेफ्टी का भी ध्यान रखा है। और हम मंदिर पहुंचने वाले हैं, हम इसके मेन गेट पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम मेन गेट से निकल रहे हैं और यहाँ से भी काफ़ी दूरी हमें तय करनी पड़ेगी। तो चलिए हम फटाफट करते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और सबसे पहले माता जी का मंदिर आता है, तो हम यहाँ पे दादाजी के मंदिर के बाद में दर्शन करने के बाद में आएंगे। और यहाँ से जब मुड़ेंगे तो दादाजी का मंदिर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे सब दुकानें आपको दिख जाएगी और उसके बाद में बस हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। यहाँ पे चप्पल शूज़ तो उतारने ही पड़ते हो, साथ साथ में आपने अगर कुछ चमड़े की चीज़ पहनी है तो वो भी उतारनी पड़ती है, वो मंदिर में अलाउ नहीं है। यहाँ पे जो आपको अग्नि दिखाई दे रही है इसको धूनी बोलते हैं और ये 12 महीने 2400 घंटे जलती रहती है। कोरोना की वजह से अभी समाधि के पास जाना अलाउ नहीं है, तो हमें वहीं बैरिगेट के पास से दर्शन करने पड़े। ये बड़े दादाजी का मंदिर है और ये साइड में छोटे दादाजी का। बड़े दादाजी साईं बाबा की तरह एक संत थे जिन्होंने 1930 में समाधि ले ली और छोटे दादाजी उन्हीं के शिष्य थे। इनके बारे में आपको इंटरनेट पर बहुत कुछ मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर धोने वाले दादाजी के मंदिर में हैं, उसके परिसर में हैं। मास्क लगाना अनिवार्य है। वीडियो बनाना था इसलिए मैंने मास्क निकाला, आजू बाजू में कोई नहीं इसलिए। तो ये जो मंदिर है, गुरु पूर्णिमा पर पूरी भीड़ लगी रहती है, आपने ये जो देखा है यहाँ पर श्रद्धालुगण परिसर के इन बड़े बड़े हॉल में लाइनों से गुजरते हुए दादाजी के दर्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर देश और विदेश से भी लोग आते, काफ़ी सारी भीड़ रहती है। यहाँ पे गुरु पूर्णिमा का दिन देखने लायक बनता है यहाँ। और दादाजी के काफ़ी सारे सॉन्ग भी बने, मैं शायद आपको वो भी बताऊँ। और मंदिर के दर्शन तो आपने कर ही लिए। कोरोना की वजह से मंदिर अंदर से बंद है, तो अंदर की समाधि की कुछ फोटोज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो बाहर बाहर से दर्शन हुए हैं और मोबाइल अलाउड नहीं है मंदिर में, बट हम परिसर में रह के थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं जो कि मंदिर से थोड़ा दूर है। तो बस आगे चलते हैं। यहाँ की धुनी के लिए कहा जाता है यह भक्तों के कष्टों का निवारण करती है। यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है और गुरु पूर्णिमा के दिन जगह जगह शहर में प्रसाद बांटा जाता है। मंदिर के परिसर के दूसरे हिस्से में एक आश्रम है जहाँ पे दादाजी के सेवक और दूसरे साधु संत रहते हैं। यहाँ पे दादाजी की चीज़ों का संग्रहालय भी है, जिसे आप म्यूजियम भी बोल सकते हो। यहाँ पे उनके बैठने से लेकर सोने तक, घूमने तक, जो भी चीज़ें उनके घूमने में यूज़ होती थी, गाड़ियाँ हो गई, बैलगाड़ी हो गई, वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और छोटे दादाजी के लिए अमूल्य दर्शन में यहाँ पे उनकी सब चीज़ें हैं, उनके बिस्तर से लेके जो जो चीज़ें वो यूज़ करते थे उनका भी यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से संजो के रखा गया है। और ये संग्रह इतना अच्छे से रखा गया है कि सदियों बाद भी ये नया सा प्रतीत होता है। तो अब हम माता जी के दर्शन के लिए चलते हैं। धोने वाले दादाजी के दर्शन के बाद यहीं पे पास में भवानी माता का मंदिर है, अगर वहां नहीं गए तो दर्शन अधूरे से लगते हैं। तो चलिए भवानी माता का मंदिर भी चल देते हैं।
माता जी के मंदिर में ये जो चमक दिख रही है, ये रियल चांदी है। इस मंदिर को चांदी से सजाया गया है। तो फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं और आप देख रहे हो रात भी हो चुकी है, तब घर चलते हैं। ओके, इस ब्लॉग के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।